चलिए दोस्तों, अभी भगवान देवता की जितने भी पशुआ है वो जा रखे हैं पंच स्नान के लिए। पंच स्नान करके आएंगे तो वैसे ही मंदिर परिसर में पहले भगवान नृत्य होगा और ठीक है। तो ये है दूसरा दिन और आज जो मलारी के भगवान देवता कल सुबह ही गांव में आए थे तो आज अभी सुबह सुबह भविष्यवद्री धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं सारे, ये देख लो। तो चलिए दोस्तों, अभी नारायण जी के दर्शन करने के लिए जो मलारी गांव से भगवान देवता आए हैं और उनके साथ गांव के लोग भी आए हैं तो वो अभी चल रहे हैं मंदिर की ओर। तो इन्हीं के साथ साथ हम भी जाएंगे भजन कीर्तनों के साथ मंदिर में जाते हुए। नारायण जी के दरबार में पहुंच चुके हैं, सांस फूल रही बहुत तगड़ी वाली, और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं तो सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद भीड़ हो जाएगी। तो चलिए, भविष्यवद्री भगवान की जय। बाकी मंदिर स्टाफ ये रहा, बहुत लेट आ रहे हैं, दर्शन करवाते हैं नारायण जी के। प्रणाम पुजार जी, जय हो, जय हो। चलिए दोस्तों, आगमन हो चुका है देवताओं का और यहाँ पे रहा सुंदर सा नारायण जी का मंदिर। और यहाँ देख लो, ये रहे मलारी गांव के भगवान देवता और उनके ग्रामवासी। बोल भविष्यवद्री भगवान की। पहले भगवान देवता जाएंगे पंच स्नान के लिए, तो आगे पे रखा है पंच स्नान का जो भी धारा वगैरह है तो वहाँ पे स्नान करके फिर पूजा के लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी भगवान देवता की जितने भी पशुआ है वो जा रखे हैं पंच स्नान के लिए। पंच स्नान का मतलब मंदिर जाने से पहले, भगवान की आराधना करने से पहले मंदिर के लिए जो भगवान देवता हैं वो नहा धो करके फिर जाते हैं।
ये एक हिसाब से पंच स्नान हुआ, क्योंकि जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो नहा धो करके जाते हैं, और देवी देवताओं का तो अलग ही नियम है, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग ही समझ सकते होंगे। और बाकी इधर जा रखे हैं सारी देवी देवता लोग पंच स्नान के लिए। पंच स्नान करके आएंगे तो वैसे ही मंदिर में, मंदिर परिसर में पहले भगवान नृत्य होगा और भगवान जी के दर्शन करेंगे, और साथ साथ में क्या पता कोई नए पशुआ अवतरित हो जाए। अक्सर यहाँ पे ऐसा ही होता है, चाहे बाहर से किसी भी गांव के देवी देवता आए तो यहाँ पे ज़रूर एक दो नए पशुआ अवतरित होते हैं। देखते हैं आज भी ऐसा होता है या नहीं। आपको दिखाते हैं अंदर, चल जाओ। और अब वो प्रक्रिया शुरू जो मैं आगे बोल रहा था आपको, यहाँ पे नए पशु अवतरित जरूर होंगे। दोस्तों अब यहाँ से फिर से गांव में वापसी है देवताओं की, और फिर से गांव के पंचायती चौक में भगवान नृत्य स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद वहां से जो मलारी के भगवान देवता है वो सुबाई के भगवान देवता से और गांव वालों से विदा लेंगे, तो वहां पे विदाई वगैरह होगी, तो फिर पुनः वो वहां से अपने घर की ओर मलारी की ओर निकल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ देख लो, नारायण जी के दरबार से प्रस्थान करते हुए अपने ढोल दमाव जो भी बाजा वम के रहे हैं उनके साथ। तो चलिए जी, फिर से पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में, और यहीं पर रहा हमारा गांव का पंचायती मंदिर, और फिर से यहां पे भगवान देवता का नृत्य होगा और उसके बाद इनकी विदाई होगी यहीं से। Ah!
अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए काके। अभी गौडाल देवता के विदा पानी कर दिया है, बाकी विदाई करने वाले ये सारे लोग हैं और दिखना असर दिया है। विदाई के समय थोड़ा बहुत रोते भी है ना, थोड़ा रोते भी है। तो अब चलते हैं इसे घर की ओर और इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं पे। चलिए चलो जा।